बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया है। तमीम इकबाल की अगुवाई वाली टीम ने दक्षिण अफ्रीका पर सेंचुरियन सुपर स्पोर्ट पार्क में 38 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और बांग्लादेश को निर्धारित 50 ओवर में 317 रन 7 विकेट के स्कोर पर रोक दिया। वहीं मेजबान टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 48.5 ओवर में 276 रन बनाकर सिमट गई। बांग्लादेश ने मैच जीतते ही बड़ा इतिहास रच डाला। दरअसल बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर पहली बार वनडे मुकाबले में विजयी परचम लहराया है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने शानदार शुरुआत की। तमीम और लिटन दास ने पहले विकेट लिए, 95 रन जोड़े। यह साझेदारी 22वें ओवर में इंडले थेउलाकवायो ने तमीम को आउट कर जोड़ी। तमीम ने 67 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के के जरिए 41 रन बनाए। लिटन को केशन महाराज ने 23वें ओवर में बोल्ड किया, उन्होंने 67 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। लिटन ने इस दौरान 5 चौके और 1 छक्का लगाया ताकि विकेट कीपर बल्लेबाज मुसफ्फिर रहीम का बल्ला खामोश रहा। वह 12 गेंदों में केवल 9 रन ही बना सके। उन्हें महाराज ने 29वें ओवर में अपना शिकार बनाया।